हेलो दोस्तों, सुप्रिया लाइफ साइंसेस के बारे में वीडियो में बात करेंगे। 55% शेयर प्राइस नीचे है अगर हम एक साल की बात करें। मुझे याद आता है दिसंबर 2021 के समय में आईपीओ आया था, साल जस्ट खत्म ही हो रहा था और लिस्टिंग के बाद इनफैक्ट इन्वेस्टर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। एक टाइम ऐसा भी आया है, आप देख सकते हैं कि 500 का जो प्राइस है वो भी टच करके आया है पिछले साल अप्रैल 2022, मतलब अभी 10 महीने भी नहीं हुए हैं और 500 से शेयर प्राइस 200 के भी नीचे यहां पर आ गया है। अगर मैं आपको बेसिक फंडामेंटल भी बताऊं सुप्रिया लाइफ साइंसेस का, तो देखिए मार्केट कैप 1552 करोड़ है। ये वीडियो सिर्फ आप सुप्रिया लाइफ साइंसेस के लिए नहीं, आप अपने जो दूसरे स्टॉक की जब लर्निंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो देखिए, जब भी मार्केट कैप 1500 करोड़, 2000, 3000 करोड़ का होता है तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनीज होती है, ठीक है। इनफैक्ट 16000 करोड़ से नीचे जिनका भी मार्केट कैप अभी जो देखा जा रहा है वो स्मॉल कैप की कंपनी। अब स्मॉल कैप की कंपनियों में क्या है, ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहती है, नो डाउट। कल मिड कैप बन सकते हैं, लार्ज कैप बन सकते हैं, पैसा भी बन सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस भी ये वेरी करता है, बट मेन पॉइंट है जब मार्केट कैप छोटा है हमें क्या एक लेसन मिलता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में वेटेज है वो बहुत ज्यादा अगर हम रखते हैं तो हमको बहुत जो रिस्क है उसका सामना करना पड़ेगा, या फिर उस बिजनेस को लेकर हमको उतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा जितना प्रोमोटर खुद कॉन्फिडेंट है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है। पहला प्रॉब्लम क्या है, अंडर ओन्ड होती है, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है कुछ केसेस में अगर अंडर ओन्ड कंपनी है तो, लेकिन अंडर रिसर्च्ड कंपनी भी होती है। अब देखिए लार्ज कैप कंपनियां जैसे लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी, इंफोसिस, ये सब कंपनियों के अगर आप देखेंगे रिसर्च करने के लिए 30-40 एनालिस्ट लोग होते हैं, तो फुल्ली रिसर्च्ड होती है कंपनियां, तो हमारे पास डेटा बहुत होते हैं। स्मॉल कैप की कंपनियों में वही एक इश्यू हो जाता है कि जो रिसर्च करने के लिए एनालिस्ट लोग जो होते हैं बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए हमको अंदर की बातें पता नहीं चलती। और ये मैं सिर्फ सुप्रिया लाइफ साइंसेस नहीं, सभी कंपनियों के बारे में ये बता रहा हूं, ये कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए पी रेशियो आप देखेंगे लगभग 16 के आसपास है। अब देखिए कुछ नंबर आपको डीसीयू भी कर सकते हैं, जैसे वन ईयर का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो आपको लग सकता है कि ये तो बिल्कुल सस्ते में है, क्योंकि देखिए पिछले साल जब शेयर प्राइस 500 को टच किया था तब 29 का पी रेशियो था। एवरेज पी रेशियो भी आप देखेंगे 17 है और अभी आप देखेंगे 15 के आसपास में, तो ये सब नंबर आपको बहुत अच्छा लग सकता है। अब यहां पर देखिए जो मेरे खुद के जो मैट्रिक्स है, यहां पर मैं भी शायद कंफ्यूज हो जाऊं। अब देखिए आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी ने जो पैसा लगाया उस पर 43% कमा रही है, बहुत ही बड़ा नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इन्वेस्टर्स ने आपने जो पैसा लगाया है, जो रिजर्व्स है, वो जो इक्विटी है, इक्विटी का पार्ट में कंपनी ने कितना कमाया है, 34%, ये भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। डेट बिल्कुल ना के बराबर है, डेट फ्री कंपनी है। प्लेज जो है वो भी अगर आप देखेंगे ना है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर पिछले साल का देखेंगे 28.6 है, अगर हम एक नजर में देखें तो मुझे कोई एक रेड फ्लैग नजर में नहीं आ रहा, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस देखने को आ रहा है। लेकिन मैं अगर बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो रिजल्ट आए हैं, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेटेस्ट में नंबर्स देखूं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 9% हो गया है। पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या था, 28% का था, और अभी देखिए 9% का हो गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि कंपनी ने या तो रेवेन्यू कम हुए होंगे, और रेवेन्यू कम हुआ होगा और उसके बाद एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे और जो मार्जिन जो है वो भी कम हुए होंगे, तो ये एक जो चीज है हमको एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जा रही है। हम लेटेस्ट जो पीएनएल है उसको देख लेते हैं। ये है लेटेस्ट पीएनएल, पिछली बार 117 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू कमाया था, इस बार 105 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। कब, अक्टूबर से दिसंबर 2021 कंपेयर टू अक्टूबर से दिसंबर 2022, 10% गिरा है। लेकिन आप प्रॉफिट में आप इंपैक्ट देखिए, जो हम देख रहे थे ना 9% हो गया है, 9% मार्जिन हो गया है। देखिए पिछली बार प्रॉफिट 40 करोड़ को जस्ट टच कर रहा था और इस बार देखिए 9.5 करोड़ हो गया, तो प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहां पर गिरे हैं। आप एबिट्टा देखेंगे ये भी गिरा हुआ है, एबिट्टा मार्जिन आप देखिए 32.8% से 13.4% है। तो देखिए यहां पर दोनों जगह प्रॉब्लम हुई है, रेवेन्यू तो कम हुआ ही है, 10% के हिसाब से रेवेन्यू तो कम हुआ ही है, लेकिन साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़े हैं और ओवरऑल जो मार्जिन हैं वो बिल्कुल अभी फिलहाल खराब हो गए हैं, जो हमने देखा
28-30% से प्रॉफिट मार्जिन पूरा 9% के आसपास में आ गया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आईपीओ से पहले बहुत ही अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया हुआ था, जो हमने स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखे थे, जो अभी भी दिख रहे हैं। अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म का हिसाब रखें, 3-5 साल का रखें, तो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये Q2 Q3 आ रहा है, ये जो नंबर्स हैं वीक हो रहे हैं। ये पिछले साल के नंबर्स हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जहां रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। लेकिन चूंकि इस बार नंबर्स यहां वीक आए हैं, तो थोड़ा सा इस मोमेंट पर सावधान रहना जरूरी है। उनका जो मेन बिजनेस है, एपीआई का बिजनेस है, केमिकल्स का जो बिजनेस है, चाइना की जो मार्केट है, वहां पर इफेक्ट हुआ है, खासकर इस क्वार्टर में। और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि फ्यूचर में कुछ ट्रिगर्स का वेट करना। अगर क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में अगर ऐसा दिखता है Q4 टू Q4 अच्छा करे, या फिर जो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपनी अगर अच्छा करती है, तो एक पॉजिटिव हो सकती है। कंपनी ने कुछ ग्रोथ के गाइडेंस भी दिए हुए हैं, लेकिन वो गाइडेंस दिए हुए वो आएंगे अप्रैल में, जब भी रिजल्ट आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी हमको पता यहां पर नहीं है। जैसे कंपनी 2 R&D सेंटर यहां पर ओपन करने की बात कर रही है, फिर API का जो बिजनेस है वहां पर ज्यादा से ज्यादा R&D सेक्टर का फोकस रहेगा। नई मार्केट में वो जाएंगे, 1200 कस्टमर उनके पास है 86 कंट्रीज से। उसके अलावा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़े लॉन्ग टर्म के प्लान है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, तो जो नंबर्स जो आए हैं वो एक शॉकिंग नंबर आए हुए हैं। इसलिए लर्निंग के लिए जरूर ध्यान पे रखिए, अगर रेवेन्यू कम हो रहे हो, प्रॉफिट्स कम हो रहे हो, तो उस हिसाब से रिस्क भी जो है वो बिजनेस में बढ़ जाता है। बाकी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं बिजनेस में, जैसे डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, या फिर प्लेज बिल्कुल नहीं है। तो अगर वो टर्न अराउंड के सिग्नल आते हैं, हमको नहीं पता है क्वार्टर फोर में आएंगे या क्वार्टर 1-2 कब आएंगे टर्न अराउंड के सिग्नल, लेकिन तब अगर आते हैं तो फिर फोकस में फिर से ये जो बिजनेस है वो आ सकता है। अपने व्यू विचार जरूर रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।